नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग टमाटर का चटनी बनाने वाले हैं। आइए चटनी बनाते हैं टमाटर का। ये देखिए दोस्तों, हम लोग के पास इतना टमाटर है, इसमें से कुछ टमाटर निकाल लेते हैं बढ़िया बढ़िया देख के, जो कि ज़्यादा पक गया है, जो कि ख़राब ना हो। देखिए दोस्तों, इतना टमाटर हम लोग निकाल लिए हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से साफ करके काटना है। देखिए दोस्तों, हम लोग का टमाटर साफ हो चुका है बढ़िया से, तो इसको काट लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का टमाटर कट चुका है बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया पत्ती, मिर्च सब बारीक काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, कटाई पूरा हो गया है। अब इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों, बहुत ठंड का मौसम है अभी हमारे क्षेत्र में, और इसीलिए आप देख सकते हैं कि चूल्हा में आग जलाए हैं हम लोग। और ये देखिए, यहाँ पे कढ़ाई हम लोग चढ़ा चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, रेनू जी अभी कढ़ाइया में तेल डाल रहे हैं। वो क्या है, उसमें मेथी भी डालते हैं दोस्तों हम लोग। अभी जब भी चटनी बनाए तो मेथी अवश्य डालना, क्योंकि इसमें बहुत स्वादिष्ट बनता है। लहसुन मिर्चा इसमें डला रहा है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का फौरन मस्त फ्राई हो जा रहा है, कुछ ही समय में बढ़िया से फ्राई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग का फ्राई बढ़िया से हो चुका है फौरन, और बिल्कुल टमाटर डालना गया इसमें। तो टमाटर डाल के इसको ढक दिए हैं। अभी थोड़ी देर बाद इसको एक भाप लग जाए, एक भाप लगने पर खोलते हैं ना, एक भाप लग जाएगा तो इसको खोलेंगे हम लोग। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम नमक डाल रहे हैं। इसमें नमक स्वाद अनुसार डालते हैं, क्योंकि टमाटर खट्टा ज़्यादा होता है दोस्तों, इसलिए नमक ज़्यादा डाल रहे हैं इसमें। काम भर के लिए नमक डाले हमारा जी, ज़्यादा तो नहीं होगा ना। तो दोस्तों देखिए, रेवी जी बता रहे हैं कि बस काम भर के लिए डाला नमक, जो कि स्वाद अनुसार परफेक्ट आएगा बनके। और जो किचन का डेली काम करते हैं दोस्तों, उनको अनुभव होता है कि किस चीज़ में कितना नमक डाला जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग का टमाटर का गल चुका है। टमाटर गल गया है ना, अब टमाटर गल गया है। देखिए आर्यन अपने मम्मी से कान में कुछ कुछ बोल रहा है। तू भी चटनी खाएगा बाबू? आराध्या देखिए बिल्ली जी से मुंह कर रही है। तो देखिए, मैं आपसे परिचय करवाता हूँ, ये हमारी आराध्या रानी बिटिया। बेटी हाय करो, हाथ दोस्तों कैसे हाय करो। हाय। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का चटनी लगभग रेडी होने वाला है। तो इसको भाप लगा के इसको कूटना पड़ता है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा इसको दबा देना पड़ता है, ताकि चटनी जो है अच्छे से बन के तैयार हो जाए। अब कितना लेट लगेगा? तो दोस्तों देखिए, फाइनली हम लोग का चटनी बन के रेडी हो चुका है, अब इसको उतारेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का चटनी बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये देखिए, एकदम मस्त गल गया है। अब इसको उतार रहे हैं, उतार के इसको बढ़िया से रख दो, ताकि देखना गर्म है कढ़ाई, और दूर रखना ताकि पैर वैर में लगेगा तो जलेगा। ये देखिए दोस्तों, हम लोग रोटी बनाने के लिए शुरू करने वाले हैं। आटा गूंथ के कंप्लीट हो जाए, इसके बाद रोटी बनाएंगे दोस्तों, और टमाटर की चटनी के साथ इसको आज खाएंगे हम लोग। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, आप भी कभी टमाटर की चटनी के साथ रोटी खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग का रोटी मस्त मस्त फूल जा रहा है, तो खाने में काफी स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों। तो देखिए, और ये देखिए दोस्तों, हम लोग का रोटी बनके रेडी हो गया पूरा पूरा। अब इसको रख देते हैं बढ़िया से, तावा जो बोलते हैं उसको भी उतार दिए हम लोग, क्योंकि रोटी बनके तैयार हो गया। उसको रख दो बढ़िया से, पूरा बन गया। दोस्तों आर्यन राज अभी इसका टेस्ट बताएंगे कैसा है। कैसा लगा बाबू? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा हो। अच्छा अगर हमारा वीडियो लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और बने रहें हमारे आराध्या चैनल में। नेक्स्ट बार आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।